मणिकर्णिका के डिजिटल राइट्स 30 करोड़ में बिके, सेकंड हाईएस्ट डील। कंगना रनौत की हालिया रिलीज मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के डिजिटल राइट्स अमेजन प्राइम ने 30 करोड़ में खरीद लिए हैं। इसके साथ ही वुमन सेंट्रिक फिल्मों के लिहाज से यह अब तक की सेकंड हाईएस्ट डील बन गई है। इससे पहले वुमन सेंट्रिक फिल्मों में आलिया भट्ट की राजी के डिजिटल राइट्स 38 करोड़ में बिके थे। वह इस श्रेणी में अब तक की सबसे बड़ी डील मानी जाती है। पद्मावत को 45 करोड़, दीपिका की पद्मावत के लिए डिजिटल राइट्स 45 करोड़ में लिए गए थे, पर वे रणवीर के नेगेटिव रोल के प्रभाव के कारण पूरी तरह से वुमन सेंट्रिक फिल्म नहीं कही जा सकती। क्या होता है डिजिटल राइट्स? फिल्म के डिजिटल राइट्स के अंतर्गत निर्माता कंपनी फिल्म में क्रिएट किए गए अपने डिजिटल वर्क, फिल्म, म्यूजिक, तस्वीरें, आर्ट और मटेरियल के कॉपीराइट अधिकार और इंटरनेट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर उपयोग की अनुमति प्रदान करती है। यह राइट्स सैटेलाइट अधिकार से अलग होते हैं, जिसकी अंतर्गत टीवी पर प्रसारण के अधिकार बेचे जाते हैं। मेल और फीमेल सेंट्रिक फिल्मों में बड़ा फासला गौर करने वाली बात यह है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी मेल सेंट्रिक और फीमेल सेंट्रिक फिल्मों के बीच बड़ा फासला देखने को मिलता है। सलमान खान की रेस 3 और आमिर खान की ठग्स के फ्लॉप होने के बावजूद भी इनके डिजिटल व सैटेलाइट राइट्स 75 करोड़ में बिके। वहीं राजी जैसी क्रिटिकली एक्लेम्ड और बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही फिल्म को बतौर डिजिटल राइट 40 करोड़ रुपए भी नहीं मिले। इसके अलावा अनुष्का शर्मा की परी और रानी मुखर्जी की मर्दानी भी अच्छी फिल्में थी, पर डिजिटल राइट्स 20 करोड़ में ही बिके थे।